दिल्ली में किसान अपने हकों के लिए डटे हुए हैं और जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती तब तक एक भी किसान दिल्ली से वापस नहीं आएगा। आज लोगों में सरकार के प्रति रोष है और समय आने पर किसान व मजदूर इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने माजरा प्याऊ पर सतरोल खाद के चबूतरे पर युवा सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दोहरी नीतियां अपनाकर किसानों व गरीब पर कर्ज न चुकाने पर बैंक में उनके फोटो चस्पा कर दिए जाते हैं और इससे आहत होकर किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब फसल की कटाई का समय आने वाला है और हमें अपने गांव में कमेटी बनाकर आंदोलन में भी अपनी भागीदारी रखनी होगी और खेतों में काम भी करना है। इसके लिए वो पहले ही अपनी योजना काम के हिसाब से बना लें और जो लोग आंदोलन में शामिल हैं गांव में रहने वाले उनका काम संभाल लें। वहीं भाजपा जजपा नेताओं ने आपके वोट को अमीरों के हाथ में बेचने का काम किया है, इसलिए उनका जुगाड़ करते हुए उनको गांव ना घुसने दें। सरकार आंदोलन का समर्थन करती है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मुकेश कौन जी, देखिए आज ये माजरा प्याऊ में नौजवानों बुजुर्गों सब ने मिलके पूरी खाप ने मिलके बहुत ऐतिहासिक किसान महापंचायत की और इस महापंचायत के माध्यम से मोदी और खट्टर सरकार को ये संदेश दिया गया है कि ये पूरा इलाका, पूरे इलाके के बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग इस पूरे किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं और यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में बीजेपी और जेजेपी की सरकार की राजनीतिक जड़ों को उखाड़ फेंक देंगे, उनको हमेशा के लिए भूतपूर्व विधायक बना देंगे, दोबारा से उनको कभी सत्ता में आने नहीं देंगे। देखो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, ये जितना हमें दबाने का प्रयास करेंगे उतने ही हम अधिक मजबूत होकर सामने आएंगे, जितना हमें डराने का प्रयास करेंगे उतने ही अधिक ताकतवर होकर और निडर होकर इनको जवाब देंगे, इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ना हम डरेंगे, ना हम दबेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम पीछे हटेंगे। हर कीमत पे, हर सूरत में किसान ये आंदोलन जीतेगा और ये भी हम देशवासियों को आश्वासन देते हैं कि आंदोलन हमारा जैसे अब तक शांतिपूर्ण और एकजुट तरीके से रहा है ठीक इसी तरीके से शांतिपूर्ण और एकजुट आगे भी रहेगा। देखिए ये बीजेपी की सरकार सिर्फ एक ही भाषा समझती है और वो है कुर्सी इनको मिलती है या नहीं मिलती है, ये चुनाव में हारते हैं या जीतते हैं। तो हमने और भाषा तो समझा के देख ली इनको, गांधी की भाषा भी समझा ली, भगत सिंह की भाषा भी समझा ली, इनको हर तरीके से इनको समझा के देख लिया, लेकिन अब हमें लग रहा है ऐसा कि ये सिर्फ चुनाव में हार और जीत को ही समझेंगे। तो इसीलिए 12 तारीख को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत होने जा रही है और उस महापंचायत के बाद 294 प्रचार गाड़ियों को हरी झंडी दिखा के पश्चिम बंगाल की सभी विधानसभाओं में उनको रवाना किया जाएगा। वो एक एक गाँव में जाएंगे और बीजेपी की पोल खोलेंगे। हम किसी के लिए वोट नहीं मांगेंगे, हम किसी के पक्ष की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी 3 काले कानून लाके किसानों को मारना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी किसानों को MSP गारंटी कानून नहीं दे रही है, उस भारतीय जनता पार्टी को वोट बिल्कुल भी ना दे और कमल को हमेशा के लिए मुरझा दे। आंदोलन लंबा चले, कैसी भी हमारे सामने सिचुएशन आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, चाहे तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हम हर चीज का सामना करेंगे। पहले लोग ये भी पूछ रहे थे आप जैसे मीडिया के बंधु की इतनी सर्दी में कैसे बैठेंगे, लेकिन किसान ने अपने जोश और जज्बे से किसानों ने जवाब दिया तो इस गर्मी का जवाब भी हम अपने हौसले के साथ देंगे। जी हाँ, युवा किसान मजदूर व्यापारी सम्मेलन था, बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। चारों पांचों हमारे किसान नेता जो जत्थेबंदी हुए थे शामिल हुए और हजारों की संख्या में महिलाएं और युवा और किसानों ने और मजदूरों ने इसमें हिस्सा लिया और हमारे नेताओं ने इस आंदोलन में पूरी जान झोंकने का आह्वान किया और हम उनका भी जो जत्थेबंदियों के आदेश आएंगे पूरी सतरोल खाप उसका समर्थन करेंगे। महापंचायतों का दौर चल रहा है तो जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर भी आप जाओगे? वहाँ पर जा रहे हैं 12, 13, 14 वहाँ पे लगा रहे, कई दिन लगा रहे हैं वहाँ पे पश्चिमी बंगाल में, और पश्चिमी बंगाल में जो है हरियाणा जो संयुक्त मोर्चा के लोग हैं वो जाके कई पंचायतें वहाँ पे रख रहे हैं और वहाँ पे NTBJP प्रचार करेंगे। हरियाणा में बंद कर दिए जो पहले से रखी है वही कर रहे हैं,
आगे नहीं रख रहे। आंदोलन को इतना लंबा रख लिया तो वहाँ तक चलने की क्या तैयारी है? देखिए हम लंबा तो सरकार ने किया है, हम तो बैठे हुए हैं अपने सड़कों पे और हम तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाते। बस इतना सा है कि हम सोच रहे हैं इसको जैसे कोई आर पार की करने वाला होता है वो इसलिए डरते हैं। संयम से लड़ना होगा और वरना अभी इन कानूनों से खेती बिजनेस कारपोरेट हो जाएगा। खेती कानून नहीं है, खेती व्यापार कानून है और इसके अगले पड़ाव में आपकी खेती कारपोरेट हो जाएगी, ये बता देता हूँ। आ रही है स्कीम क्यों? क्योंकि हमारी सरकार WTO में शामिल हो गई है। अब आपने अमेरिका का मुकाबला करना है, अब आपने वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करना है, आपको वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से भाव मिलेंगे। जो अमेरिका में भाव होगा वही आपका भाव होगा और अमेरिका आपके पास 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, अमेरिका के पास 5,000-10,000 एकड़ का किसान है, एक एक किसान। अब वो दलित भाई अपने अपने घरों में सर छोटू राम की फोटो लगाए और जितने हमारे स्वर्ण भाई हैं, हमारे जाट हैं, पंडित हैं, राजपूत हैं, जितने भी हमारे दूसरी कौमे हैं, वो अपने अपने घरों में बाबा अंबेडकर साहब की फोटो लगाए। साथियों ये इस सरकार के मुंह पे तमाचा होगा। बाबा रामदेव है, अंबानी है, अडानी है, पहले तो दो ही थे बाबा रामदेव का चेला बनाने का, चाहे लाला रामदेव कह लो, लाला जी भी कह सकते हैं उसको। पहले तो बड़ी तारीफ किया करता था मोदी की, वो डिप्पर सिंह मार मार के बोलता था कि पेट्रोल पानी 35 रुपए ठीक है कि 55 रुपए ठीक है, अब खा गया देश को लूट के, आज देश के 5वें नंबर का अमीर है। साथियों ये कारपोरेट वाले हमें बर्बाद कर रहे हैं, ये मोदी के चेले हैं। अंबानी का, अडानी का और बाबा रामदेव का सामान का बहिष्कार करना है, बाकी किसी का भी नहीं, इनके सामान का बहिष्कार करना है। साथियों एक मैं और बेनती करना चाहूंगा कि हमें अपने भाईचारे को बढ़ाना है। सरकार हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट के और इलाकों के नाम पर बांट के हमारे ऊपर राजनीति कर रही है। हमें इस आंदोलन से और कुछ मिला हो ना मिला।